Hello everyone, welcome to the Manu Law Classes in the session of Daily News Analysis. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. Today is 30th of August 2024. So first of all, हम कुछ questions लेंगे जो current affair में काफी चर्चा में है. So first question is, what year was the Securities and Exchange Board of India, that is SEBI, वो SEBI का establishment कब हुआ था? So SEBI का establishment हुआ है 1992 में, और अभी काफी दिन से SEBI जो है न्यूज में है, बिकॉज एक तो इसकी जो चेयरपर्सन है वो, प्लस इसने बहुत सारे जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उन पर एक्शन भी लिया है. नेक्स्ट है कि हु इज द करंट चेयरपर्सन, तो इसकी चेयरपर्सन है मिस जो है माधवी पुरी जो है, ये इसकी फर्स्ट लेडीज चेयरपर्सन बनी है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. विच इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ SEBI लोकेटेड, सो कहाँ, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ SEBI लोकेटेड, तो इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और आप सबको पता होगा कि मुंबई इज द डॉट 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 कैपिटल ऑफ इंडिया. क्या है वो आप कमेंट में मुझे बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनल ऑफिस ऑफ SEBI, तो SEBI का जो बेंगलोर में रीजनल ऑफिस नहीं है, बाकी न्यू दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और चेन्नई, ये भी इसके रीजनल ऑफिस हैं. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ SEBI, SEBI का क्या प्राइमरी एम है? इसका प्राइमरी एम है टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड प्रमोट सिक्योरिटीज मार्केट डेवलपमेंट. सो जो शेयर मार्केट का जितना भी, सिक्योरिटी मार्केट का जितना भी काम है, उसमें इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट को सिक्योर करना, ये इसका मेन वर्क है. तो अब हम चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर. सबसे पहला है कि यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024. गवर्नमेंट ऑफ यूपी एक नई पॉलिसी लेकर के आई है, और ये इंडिया में तो एटलीस्ट एक नया ही इनोवेशन है. स्टेट गवर्नमेंट अब क्या काम करेगी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होंगी, उसके वर्क्स होंगे, उसकी जो सक्सेस स्टोरीज होंगी, उसके अचीवमेंट्स होंगे, उनको प्रमोट करने के लिए अब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पे करके उनको भी एडवर्टीजमेंट की तरह यूज किया जाएगा. आप जानते हैं कि गवर्नमेंट किसी भी स्टेट की हो, अपने न्यूज़पेपर्स में और आपके वीडियोस में या और भी जो डिफरेंट मीडियम्स हैं एडवर्टीजमेंट के, उनका यूज करती है, जिससे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज या उसकी स्कीम्स लोगों तक पहुंच सकें. सो उसके लिए यूपी गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर के आई है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा अपनी पॉलिसीज को पीपल तक पहुंचाने के लिए. क्या इसके हाइलाइट्स हैं कि इसमें स्टेट का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, ये उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कॉन्टेक्ट करेगा, बात करेगा, जैसे कि उसमें आपका ट्विटर दैट इज एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या और भी जो सोशल मीडिया एप्स हैं, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करेगी गवर्नमेंट और उनको पे भी करेगी. इसके लिए उनको चार ग्रुप्स में ये बांट लेंगे, और उसके किसके बेसिस पर, कि उनके पास में कितने सब्सक्राइबर्स हैं, इस बेसिस पर, बेसिक जो है बेसिस पर, सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पर, फिर उसी के अकॉर्डिंग उनकी एलिजिबिलिटी फाइनेंशियल रिवार्ड्स को जो है फिक्स किया जाएगा कि किसको कितना पे किया जाएगा, और उसमें मैक्सिमम जो अमाउंट किसी को दिया जाएगा वो 8 लाख पर मंथ तक उसमें लोगों को दिया जाएगा. सपोज करो आपके पास में एक यूट्यूब चैनल है और आपके पास में लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, और आप यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उसकी स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको 8 लाख पर मंथ तक आपको पैसा गवर्नमेंट पे करेगी. ये एक बड़ा ही मीन्स इनोवेटिव कदम है गवर्नमेंट की तरफ से. सो सोशल मीडिया भी अपने आप में एक करियर अपॉर्चुनिटी बहुत पहले से डेवलप हो चुका था, और अब तो इससे भी और ज्यादा डेवलप हो जाएगा. हालांकि उन लोगों के अगेंस्ट में एक्शन भी लिया जाएगा जो कोई भी एंटी नेशनल कंटेंट को अगर उस पर शो करेंगे, एंटी सोशल कंटेंट होगा, डेरोगेटरी कंटेंट होगा, ऐसे कंटेंट वाले जो चैनल ओनर होंगे या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होंगे, उनके अगेंस्ट में पनिशमेंट भी जो है इसमें बनाया गया है. एंटी नेशनल कंटेंट माना जाएगा, कंसिडर सीरियस ऑफेंस उसको माना जाएगा. अब इसमें देखो लोगों के कंसर्न भी हैं, एक्सपर्ट्स के कंसर्न क्या आते निकल करके कि जो डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, वो सोशल मीडिया को चला रहे हैं, कि अब इस बात का सिग्नल है कि गवर्नमेंट
ऐसा फेवरेबल कंटेंट बनवाना चाहती है कि जो गवर्नमेंट के फेवर में हो। और देखो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कहीं की भी हो, वो हमेशा ऐसा कंटेंट तो चाहती है कि जो लोगों तक पहुंचे और उसके फेवर का कंटेंट हो। इसमें कोई नई बात नहीं है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाले टाइम में ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस वॉज इन द न्यूज, ये किस लिए था? एक तो सबसे पहला काम हुआ कि जो हमास का लीडर था इस्माइल हानिया और हिजबुल्ला का कमांडर था फाउद शुकरा, इन दोनों को जो है किल कर दिया, इनका असेसिनेशन हुआ। और तब से ये जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है ये काफी न्यूज में है। एक्चुअली में है क्या, ये ईरान इस ग्रुप को जो है, इस एक्सिस को सपोर्ट करता है, और ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस अपने आप को कहते हैं। क्यों? कि ये कहते हैं कि भाई हम मिडिल ईस्ट में यूएसए और इजराइल का इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ने देंगे। मींस ये जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है ये किसके अगेंस्ट में है? इजराइल के अगेंस्ट में और यूएसए के अगेंस्ट में है। ये इन दोनों के अगेंस्ट में है कि दोनों का जो इन्फ्लुएंस है वो मिडिल ईस्ट में ना हो। इट मींस यूएसए और इजराइल दोनों का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसका रेसिस्ट करना, उसको रेसिस्ट करना, उसको रोकना ही क्या है? एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस है। अब जैसे कि यहां पर आप नाम देख सकते हैं कुछ, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, हिजबुल्ला, हमास, हुथीज, ये सब क्या है? ये सब जो है मोस्टली शिया मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं, ठीक है? और इनको सपोर्ट करता है कौन? ईरान, ठीक है? इसके पीछे का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कि ये सब के सब सिया मुस्लिम ग्रुप हैं और ये मिलिटेंसी को इसमें सपोर्ट करते हैं, जिहाद को यूज करते हैं। फंडामेंटलिज्म जो इस्लामिक है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, उसको यूज करते हैं, टेररिज्म वगैरह को ये यूज करते हैं। अब ऐसा है क्यों? देखो, ये जितना भी मिडिल ईस्ट है ना, उस मिडिल ईस्ट में जितने भी नेशंस हैं, आपका सऊदी अरबिया हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, और भी उसके आसपास के कंट्री हैं, वो सारे के सारे कंट्री हैं सुन्नी। वर्ल्ड में दो तरह का इस्लाम में दो कॉन्सेप्ट बहुत चलते हैं, जिसमें दो सेक्ट की हम कह सकते हैं, एक तो शिया और एक सुन्नी। तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, या मैं कहूँ पूरे वर्ल्ड में जो मेजोरिटी है वो सुन्नी मुस्लिम्स की है। और ईरान अपने, ईरान कैसा कंट्री है? एक शिया कंट्री है। वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट में शिया जो ग्रुप है, शिया मुस्लिम्स हैं, उनका डोमिनेंस हो, उनका भी प्रेजेंस हो, वो भी पॉलिटिक्स को वहां की को डिटरमाइन करें, इन्फ्लुएंस करें। और वो किसके अगेंस्ट में? इजराइल और यूएसए के अगेंस्ट में इन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, और स्टार्टिंग से ही करता है। इवन जब 1948 में इसराइल को बनाया गया था, तब से ही ईरान उसके अगेंस्ट में था। उसका ये मानना था कि ये जो यूएसए है या और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली यूरोप के जो कंट्रीज हैं, वो इसराइल यहां पर इसलिए क्रिएट कर रहे हैं पैलेस्टीन वाले उस रीजन में, ताकि मिडिल ईस्ट में पूरे वेस्टर्न यूरोप और स्पेशली यूएसए का डोमिनेंस बना रहे। वो इसराइल को ऐसे मानते हैं जैसे कि यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज का एक एजेंट है, जिससे कि मिडिल ईस्ट वाले नेशन को कंट्रोल किया जा सके, मिडिल ईस्ट वाले रीजन को इन्फ्लुएंस किया जा सके। और उस इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट में है क्या? एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है, इंडिया एंड रसिया वर्किंग प्लान टू हैंडल इमरजेंसीज। इसकी एक सेकंड मीटिंग अभी हुई है, इससे पहले भी एक मीटिंग हो रखी है, इसकी नेक्स्ट भी मीटिंग्स होने वाली हैं। इसका मेन पर्पज क्या है? देखो, इसका मेन पर्पज है कि जॉइंट रशियन इंडियन कमीशन ऑन इमरजेंसी मैनेजमेंट हेल्ड इन मॉस्को। मींस जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, चाहे वो रशिया में हो या इंडिया में हो, दोनों कंट्री में अगर कहीं भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई डिजास्टर आता है, कोई एपिडेमिक आती है या कोई और सिचुएशन क्रिएट होती है, तो दोनों ही कंट्री एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और हेल्प करेंगे एक दूसरे कंट्री की। इसको लेकर के हमारा काफी दिन से इनसे डिस्कशन चल रहा था, और अभी इसकी जो सेकेंड राउंड की मीटिंग है वो कहाँ पर हुई है? वो मॉस्को में इनकी मीटिंग हो चुकी है, और इन्होंने एक वर्किंग प्लान को भी साइन किया है, जॉइंट रशियन इंडियन कमीशन ऑन द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट फॉर
2025-26 इसके लिए इन्होंने साइन किया है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि रसिया के अगेंस्ट में लगभग सारा का सारा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो उसके अगेंस्ट में है, और ऐसा कोई भी कंट्री जो रसिया के साथ में जरा से भी अपने रिलेशन ठीक कर रहा है वो उसको अपना दुश्मन मान रहे हैं। और इंडिया अब अगर यहाँ पर अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है रसिया के साथ में, तो ये एक नए एंगल से भी इसको देखा जा सकता है और एक नए पॉलिटिकल जो है सिनेरियो उसमें हम देख सकते हैं। गवर्नमेंट लेवल का है ये, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें म्यूचुअल कैपेसिटी डेवलप करेंगे, एक दूसरे के जो ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, इक्विपमेंट्स की हैंडलिंग प्रोवाइड कराएंगे, बहुत कुछ इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इसरो डिजाइंड ह्यूमनॉइड स्कल, ह्यूमन के जैसी एक स्कल डिजाइन की है इसरो ने, और है क्या ये, नाम है इसका व्योमित्र। व्हाट इज व्योमित्र? व्योम मींस होता है आकाश, दैट इज स्काई, और स्काई का मित्र, इट मींस फ्रेंड ऑफ स्काई। अब क्या है ये, देखो ह्यूमन के ब्रेन की तरह जो सोच सके, जो कुछ फंक्शन कर सके, वैसा ही एक ह्यूमनॉइड हम प्रिपेयर किया है जो है इसरो ने। काम क्या होगा इसका, बिकॉज आने वाले टाइम में इन 2025 में इसरो एक मिशन लॉन्च करने वाला है, दैट इज गगनयान मिशन। आजकल मिशन जो है इसरो बहुत सारे मिशन को लॉन्च कर रहा है पिछले काफी टाइम में, जैसे कि मंगलयान वगैरह, चंद्रयान, हमने बहुत सारे अचीवमेंट इसमें किए हैं। इस मिशन में हमारे 3 मेंबर जाएंगे साथ में, और अराउंड 400 किलोमीटर तक ऊपर ये जाएंगे और ये वापस आएंगे। इनको वापस जीवित मींस अलाइव लेकर के आना इनकी मेन चैलेंज होगा। अब होता क्या है, जब भी जो मिशन होते हैं, जब स्पेस में मिशन जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो डेंजरस टास्क होते हैं स्पेस में, जैसे कि क्लीनिंग ऑफ सोलर पैनल्स हो गया, फिक्सिंग फॉल्टी इक्विपमेंट्स हो गया, ये जो स्पेस शिप के बाहर होते हैं। अब ऐसे मैटर में जो हमारे पायलट्स होते हैं, जो क्रू होता है, जो मेंबर होते हैं उस मिशन के, उनकी लाइफ को हम डेंजर में नहीं डाल सकते, लाइफ थ्रेटनिंग वर्क उनसे नहीं करवाए जा सकते, बिकॉज मिशन एक अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। तो उसके लिए क्या डिजाइन किए जाते हैं, ह्यूमनॉइड्स आर रोबोटिक सिस्टम जैसे होते हैं ये, डिजाइन टू रिजेंबल ह्यूमंस, कि कुछ कुछ तरीके से वो ह्यूमन के जैसा वर्क कर सकते हैं और फंक्शन ऑटोनोमसली इन स्पेस, मीन्स ऑटोमेटिकली कुछ वर्क कर सके, और वो भी ऐसी सिचुएशन में जहां पर ह्यूमन की लाइफ को हम थ्रेट में, डेंजर में नहीं डाल सकते। और उसके लिए इन्होंने डिजाइन किया है, उसका नाम क्या है, व्योमित्र, मीन्स स्काई का फ्रेंड, ये इन्होंने प्रिपेयर किया है। एल्यूमिनियम अलॉय का ये बना हुआ है, बिकॉज ये लाइट वेट होता है, इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हीट रेसिस्टेंस होता है, और भी इसकी बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसको यूज करके इन्होंने बनाया है। इसका वजन रहने वाला है 800 grams, और ये इसका है डायमेंशन 200 mm by 220 mm, ये बनाया गया है। क्या होगा ये रिजेंबल करेगा ह्यूमन की अपर बॉडी से, जिसमें क्या क्या हो सकता है, मूवेबल आर्म्स होंगे, हाथों से कुछ वर्क कर सकते हैं, तो हाथ होंगे उसके, हैंड्स होंगे, और फेस होगा जैसे कि नॉर्मली अपना होता है, और नेक होगी, मींस ये ऊपर वाला ही पोर्शन उसमें होगा व्योमित्र में, जिसको वो यूज करेंगे स्पेस में। तो हमारा जो नेक्स्ट वाला जो मिशन है 2025 में जो लॉन्च होने वाला है, उसमें यूज करने जा रहे हैं हम किसको, व्योमित्र को। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।